आज हम डिस्कस करेंगे आपके सामने कि एक इकोनॉमी की, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स की इस सेकंड चैप्टर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई अर्थव्यवस्था है तो देखिए, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे अर्थव्यवस्था का मतलब कोई भी देश जिसके अंदर पैसा का लेन देन हो रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इवन भारत हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, इवन पूरे वर्ल्ड का कोई भी देश हो, ठीक है, वहाँ पर एक प्रॉब्लम, अगर मैं हिंदी में बात करूँ, जरूर उत्पन्न होती है, जिसे बोलते हैं केंद्रीय समस्याएँ, ठीक है। अब वो केंद्रीय समस्याएँ क्या होती हैं अर्थव्यवस्था की, चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहां पर आपकी जो पहली केंद्रीय समस्या है वो है क्या उत्पादन करें। देखिए, क्या उत्पादन करें के अंदर आप समझिए, क्या हमारी पहली समस्या ये, क्या उत्पादन करें, ठीक है। अब क्या उत्पादन करें के अंदर आपको मैं बता दूं, बेसिकली उत्पादन करने के लिए हमारे पास, ठीक है, पहले बता दूं ये वाली जो समस्या है, कौन सी वाली, क्या उत्पादन करें की समस्या, मुख्यतः वस्तु के चयन से संबंधित है, मतलब कि हमें किस वस्तु का उत्पादन करना है। अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किससे संबंधित है, वस्तु के चयन से, कि हमें किस चीज के उत्पादन करना है, ठीक है। अब यहां पर आपको बताऊं तो यहां पर दो वस्तु है हमारे पास, एक होती है उपभोक्ता वस्तु, ठीक है, और दूसरी होती है पूंजीगत वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, ये भी वस्तुएं लिख सकते हैं हम यहां पर, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं उपभोक्ता वस्तु की। तो देखिए, उपभोक्ता वस्तु कौन सी वस्तु होती हैं, उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तु होती हैं जो हमारी आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। अभी डेफिनेशन पे ना जाते हुए जाते सिंपल वे में, हमारी डेली नीड्स की क्या होती है, जो अभी हम घर में वस्तु उपभोग कर रहे हैं, जिनसे, जिनका प्रयोग बजाय हम लाभ कमाने के अपने संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, जस्ट, ठीक है, हम कॉलगेट करते हैं, ठीक है, लेकिन उससे हम कोई लाभ नहीं कमा रहे हैं, ठीक, वो क्या हमारी उपभोक्ता वस्तु। हम घर में अपनी मशीन का प्रयोग करें, वॉशिंग मशीन, वो हम क्या प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं कर रहे, अपना अपने कपड़े धोने के लिए कर रहे हैं भाई, तो वो एक क्या है, उपभोक्ता वस्तु। तो हर वो वस्तु जो हम बजाय लाभ कमाने के लिए अपने लिए प्रयोग में ला रहे हैं, वो क्या है, उपभोक्ता वस्तु है। लेकिन अभी सिंपल से मैं ले लेता हूं दाल, ठीक है, चावल, चीनी, ठीक है, ये जो भी हम चीजें वस्तुएं प्रयोग में ला रहे हैं, ये हमारी क्या है, उपभोक्ता वस्तु, मतलब डेली लाइफ की चीजें। अब दूसरी चीजें पूंजीगत वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो उत्पादन में सहायक होती हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मान लो मैं यहाँ पे प्रोड्यूसर हूं और ये मार्कर मेरे लिए क्या है, एक उत्पादक वस्तु है, ठीक है। एक बंदा है, मजदूर है, वो फावड़ा चला रहा, तो फावड़ा उसके लिए क्या है, पूंजीगत वस्तु है। एक लॉन्ड्री वाला है जिसका बिजनेस ये कपड़े धोने का, वो मशीन का प्रयोग कर रहा है, तो उसके लिए वो मशीन क्या है, पूंजीगत वस्तु है। अब बात आ रही है पूंजीगत वस्तु, वो वस्तु जो लाभ कमाने के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे नॉर्मली अभी हम कहें तो उसमें सारी मशीनें आ जाएंगी, किसके अंदर, पूंजीगत वस्तु के अंदर हमारी सारी मशीनें आ जाएंगी, और वहीं उपभोक्ता वस्तु के अंदर हमारी डेली नीड्स की चीजें आती हैं। अब बात यहां पे ये आ रही है कि हमारे को अपने देश में उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करना चाहिए या पूंजीगत वस्तु का उत्पादन करना चाहिए, उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करना चाहिए या पूंजीगत का। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे देश में उपभोक्ता वस्तुएं बहुत जरूरी हैं, ठीक है, हमारी डेली लाइफ की चीजें बहुत जरूरी हैं, हमारी दिनचर्या, हमारे प्रतिदिन जो प्रयोग में लाई जाती है बहुत ही जरूरी हैं। तो आपको बताना चाहूँगा, अगर हम उपभोक्ता वस्तु का प्रयोग करेंगे तो हमारा देश तो पिछड़ जाएगा, हमारे पास तकनीकी नहीं होगी, हमारे पास मशीनें नहीं होंगी। फिर कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हमें क्या करना चाहिए, हमें पूंजीगत वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, तो भी गलत हो जाएगा। अगर हम पूंजीगत वस्तुओं का प्रयोग करेंगे मशीनों का, जस्ट यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, क्या मशीनें, ठीक है, तो अगर हम मशीनों का प्रयोग करेंगे तो हमारी डेली नीड्स की जो चीज़ें हैं वो कम पड़ जाएंगी। बात आ रही है, कुछ लोग कहेंगे कि दोनों बराबर करो, तो भाई आपको बता दूं, दोनों कैसे बराबर कर सकते हो, भारत जैसे देश में जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, आपको इतने लोगों को खाना देना पड़ेगा, इतने लोगों को सामान देना पड़ेगा जितनी आपको मशीनें की जरूरत नहीं है, बात आ रही है, तो फिर कितना, जी कितना, कितना वर्ड आ रहा, मतलब मात्रा, यही तो समस्या है। एक्चुअली क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अगर इसका सॉल्यूशन मेरे पास होता, इसका सॉल्यूशन आपके पास होता, इसका सॉल्यूशन हमारे प्रधानमंत्री जी के पास होता, तो ये देश की केंद्रीय समस्या थोड़ी ना होती।
मतलब ये एक ऐसी समस्या है जो हर देश में पाई जाती है, क्या कि कितना किस वस्तु को क्या उत्पादन करें, उपभोक्ता करें या पूंजीगत करें। अच्छा चलो ये तो पता पड़ गया, उपभोक्ता पड़ा पड़ गया और पूंजीगत की इन दोनों का करना चाहिए, लेकिन कितनी मात्रा में करना चाहिए ऐसा कभी नहीं हो सकता। सिंपल वे में करें, मान लीजिए एग्जांपल के लिए हमारे को घर में रोटी बनती है, एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, वो कभी भी ना इक्वल नहीं बनती। इक्वल का मतलब हमारे घर में मान लो 7 लोग खाने वाले हैं और रोटी हमने 15 बना ली मान लो, तो कभी जो बंदा लास्ट में कर ना ध्यान रखना 7th नंबर पे, या तो वो कभी भूखा रह जाता है, भूखा मतलब या तो उसे पूरी रोटी नहीं मिलती, या कई बार ऐसा होता हमारे घर में रोटी ज़्यादा बन जाती है। मतलब ऐसा रेयर ही केस होगा कि जितना हमने बंदे हैं उसके हिसाब से रोटी बिल्कुल इक्वल बनाई है। इक्वल का मतलब जैसे लास्ट बंदे ने लास्ट निवाला खाया है भाई, उसका पेट भर गया लास्ट निवाले से, ना बिल्कुल बाकी रहा ना ज़्यादा खाया। तो ये प्रॉब्लम है यार, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोडक्शन हो जाए। तो यही समस्या है कि हमें ये तो पता है कि दो वस्तु को उत्पादन करना है, लेकिन कितना कितना करना है नहीं पता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपकी समस्या जो आ रही है, वो दूसरी समस्या आ रही है आपकी यहाँ पर, दूसरी कैसे उत्पादन करें। देखिए कैसे उत्पादन करें की समस्या के बारे में बता दूं आपको, हमारे पास मुख्यतः उत्पादन करने के लिए दो तरह की तकनीकें हैं। एक जो तकनीक है, नाम लिख लेते पहले, कैसे उत्पादन करें, यह हमारी क्या है दूसरी समस्या। सबसे पहले इस समस्या के बारे में बता दूं, ये क्या है तकनीक से संबंधित है, ये क्या है तकनीक से संबंधित है। मतलब हमें चुनाव करना पड़ता है कि किस तकनीक द्वारा उत्पादन करें। अगर आपको बताऊं कि हमारे पास कौन कौन सी तकनीक उत्पादन करने के लिए, तो मुख्यतः हमारी अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की उत्पादन की तकनीकें पाई जाती हैं। पहली कौन सी है, श्रम प्रधान तकनीक, श्रम प्रधान तकनीक, और दूसरी जो है वो है पूंजी प्रधान तकनीक, पूंजी प्रधान तकनीक। अब सबसे पहले अगर हम श्रम प्रधान तकनीक की बात करूं, तो श्रम प्रधान तकनीक वो तकनीक है जहां पर ज्यादातर काम लोगों से लिया जाता है बजाय मशीनों के। दोबारा सुन लीजिए, जहां पर ज्यादातर काम किससे किया जाता है, लोगों से लिया जाता है बजाय मशीनों के। तो अब आपकी नजर में ये सही है या बेकार है, अगर मशीनों से काम कराएंगे तो जल्दी होगा या लोगों से काम कराएंगे तो जल्दी होगा? कुछ लोगों का कहना होगा कि मशीनों से कराएंगे तो अच्छा होगा। अभी पॉइंट बाकी है, आता हूं दोबारा से। दूसरी तकनीक डिस्कस करते हैं, पूंजी प्रधान तकनीक। तो पूंजी प्रधान तकनीक वो तकनीक होती है जहां पर हम मशीनों द्वारा उत्पादन करते हैं। अगर हम मशीनों के द्वारा उत्पादन करेंगे तो उत्पादन तेजी से तो होगा, उत्पादन तेजी से तो होगा, लेकिन यार प्रॉब्लम यहां पर यह है, अगर हम मशीनों द्वारा उत्पादन करने लगें तो हमारे देश की जनसंख्या बेरोजगार हो जाएगी। जस्ट एग्जांपल के लिए, आपके पेरेंट्स जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, अगर उस सेक्टर में मशीनें आ जाएं तो कई सारे लोगों की जॉब चली जाएगी। एक और एग्जांपल याद आया मेरे को, मान लो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जस्ट, ठीक है, पूरा का पूरा इंडिया ऐसे ही पढ़ने लग जाए, किससे, ऑनलाइन एक टीचर से पढ़ने लग जाए, कोई भी हो सकता है, ठीक है, उससे पढ़ने लग जाए तो होगा क्या, फिर तो स्कूल में टीचरों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्या हो जाएगा, क्योंकि तकनीक आने से हो क्या गया, और लोग बेरोजगार हो गए। तो आपके हिसाब से श्रम प्रधान तकनीक अपनानी चाहिए देश में या पूंजी प्रधान तकनीक? अब कुछ लोग कहेंगे पूंजी, देखिए बाद में बता दूं आपको, आप ज्यादा श्रम प्रधान तकनीक अपना लोगे तो रोजगार चला जाएगा, अगर आप श्रम ज्यादा कर लोगे, ध्यान रखना, पूंजी कम करोगे तो लोग आपके में बैकवर्डनेस आ जाए, क्योंकि आपका उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो ही करेगा, क्योंकि मशीन जितना ज्यादा प्रोडक्शन करती हैं उतना आपके लोग प्रोडक्शन नहीं करते। अब लोग कहेंगे, आप लोग कहेंगे कि हमें दोनों से उत्पादन करना चाहिए, किससे, श्रम से भी पूंजी से भी, क्वेश्चन द्वारा वही आ जाता है, क्या कितना, मतलब कितना उत्पादन हम श्रम से करवाएं और कितना हम पूंजी से कराएं, क्योंकि ये एक समस्या है, इसीलिए ये एक केंद्रीय समस्या बन के उभरती है कि चलो हमने ये डिसाइड कर लिया क्या उत्पादन करें, हमने डिसाइड करना है प्रोडक्शन करना है चलो, लेकिन अब प्रोडक्शन करना है किस तकनीक से करना है, तो ये भी एक समस्या निकल के आ जाती है। कौन सी, कि श्रम प्रधान तकनीक से कराएं या पूंजी प्रधान तकनीक से कराएं। बेसिकली आपको बता दूं, श्रम प्रधान तकनीक उन देशों में ज्यादातर अपनाई जाती है जिन देशों की जनसंख्या उनके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग क्या होती है, नॉर्मली ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि उन्हें अपने देश के लोगों को क्या देना होता है, रोजगार देना होता है। वहीं पर जो डेवलप इकोनॉमी है, ठीक है, वो किसको अपनाती हैं, पूंजी प्रधान तकनीक को अपनाती हैं ज़्यादा,
ज्यादा किस्म की अपनाती है पूंजी प्रधान तकनीक को, वो मशीनों से काम लेती है। अब जैसे कह सकते हो अमेरिका जैसे देशों में या विकसित जो भी देश आपकी नजर में हो उन देशों में ज्यादातर पूंजी वस्तु प्रधान तकनीकों से काम लिया जाता है। वहीं पर जाओ आपकी नजर में इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहां पर लेबर से ज्यादा काम करा जाता आज भी एज कंपेयर टू मशीन्स। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। चलिए टॉपिक नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा है किसके लिए उत्पादन करें, तो वो भी लिख लेते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा किसके लिए उत्पादन करें। ठीक है, कुछ लोग इन समस्याओं को ना अपनी निजी जिंदगी से भी जोड़ लेते हैं। कैसे, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किसके लिए पढ़ें, तो वो याद रखने के लिए आप रख सकते हैं कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, किसके लिए पढ़े। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। अब किसके लिए उत्पादन के लिए मैं आपको सिंपल वे में समझाऊंगा, सिंपल वे में। तो देखिए हमारे अगर देश को दो वर्गों में बांटा जाए तो एक वर्ग कहलाएगा आपका धनी वर्ग, ठीक है, और एक निर्धन वर्ग। ठीक है, एक निर्धन वर्ग। अब सरकार की नजर से देखिए, आप सरकार हैं तो आपको क्या कमाना है, लाभ कमाना है, लेकिन आपको देश का क्या करना है, समाज कल्याण भी करना है, समाज कल्याण भी करना है। तो अब आपके सामने आ गया कि अगर आप देश के किसी देश के मालिक हो या कर्ता धर्ता हो तो आप बताइए आप लाभ कमाने के लिए काम करेंगे, समाज कल्याण के लिए काम करेंगे। कुछ लोग कहेंगे लाभ के लिए, कुछ लोग कहेंगे समाज कल्याण के लिए। लेकिन एक देश की सरकार को दोनों में व्यवस्थित करके चलना पड़ता है, मतलब दोनों को बना के रखना पड़ता है। किसको क्या उत्पादन करे के अंदर, वो किसके लिए उत्पादन करे के अंदर, धनी वर्ग को भी खुश रखना पड़ता है और निर्धन को। धनी से वो क्या कमाते हैं, लाभ। धनी से सरकार क्या कमाती है, लाभ, और निर्धन वर्ग से क्या कमाती है, वो समाज कल्याण। सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो क्या उत्पादन करने के बाद ये डिसाइड हो गया, फिर कैसे करा ये भी डिसाइड हो गया, माल बन के तैयार है, हमारी दवाइयां बन के तैयार हैं। ध्यान रखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, हमारी दवाइयां बन के तैयार हैं। अगर दवाइयों को मेडिकल स्टोर में बेचोगे तो पैसा आएगा, लाभ आएगा। लेकिन अगर वही दवाइयां आप किसी उसमें डाल दोगे, किसमें, हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दे दोगे, तो वहां पे आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो यहां पर आपके एग्जांपल के वस्तु रेडी है, लेकिन वस्तु से आपको अमीर वर्ग को बेचने से लाभ आएगा, गरीब को बेचने से समाज कल्याण होगा। तो सरकार दोनों को ध्यान में रखती है। अगर सरकार प्रॉफिट के लिए काम करे, प्रॉफिट के लिए मतलब ओनली ध्यान रखे कि मुझे बस लाभ कमाना है, तो वो ओनली वो वस्तुओं को बेचेगी, सस्ती दामों पे उनका आर्थिक सहायता नहीं देगी। लेकिन अगर एक सरकार समाज कल्याण और धनी वर्ग दोनों को ध्यान में रख के चलती है तो लाभ के लिए भी करती है तो समाज के लिए भी। अब दोबारा क्वेश्चन आपके लिए, एक सरकार को लाभ के लिए ज्यादा काम करना चाहिए या समाज कल्याण के लिए। कुछ लोग कहेंगे लाभ के लिए भी करना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे समाज कल्याण के लिए भी करना है। सही बात है, लाभ के लिए भी करो और किसके लिए, समाज कल्याण के लिए। क्वेश्चन दोबारा से आ रहा है कितना, ठीक है, तो ये क्या है, समस्या है। जैसे कि क्या उत्पादन करेगी थी, जैसे कि किसके कैसे उत्पादन करेगी थी, वैसे ही किसके लिए। देखिए हमने तीन तरह की समस्याएं डिस्कस करी, क्या, कैसे, किसके लिए उत्पादन करें। ठीक है, ये तीनों की तीनों समस्याएं केंद्रीय समस्याएं कहलाती हैं, जिसमें एक देश की सरकार कभी भी यह सुनिश्चित नहीं कर पाती कि उसे उत्पादन कितना क्या करना है। देखिए कर भी लेती है, कितना करना है नहीं कर पाती, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम जो आ जाती है वो आ जाती है कहीं ना कहीं मात्रा की। ठीक है, और ये पेपर में एक बार क्वेश्चन आ जाता है, बताइए केंद्रीय समस्या किस देश में नहीं पाई जाती, ठीक है, किस देश में पाई जाती है, अमेरिका, भारत, बांग्लादेश या इनमें से सभी। तो आपको बता दूं एक देश में केंद्रीय समस्या है, हर देश में पाई जाती है। मतलब केंद्रीय समस्या एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई देश बाकी नहीं रह गया, हर देश में समस्या आती है, क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं। तो वेल आज के टॉपिक में इतना ही, इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कमेंट, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इवन डिस्क्रिप्शन में आपको इसके की नोट्स मिल जाएंगे, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और कुछ नहीं, आज के लिए थैंक यू टाटा एंड बाय बाय।